हेलो स्टूडेंट्स, आ जाओ सभी जल्दी से। बच्चों, आपका क्लास का टाइम हो चुका है। क्लास 9th का मैथमेटिक्स आपको मालूम है, और इस क्लास में आप लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं। देखिए, कुछ बच्चे जैसे क्लास शुरू होती है कमेंट के पीछे बहुत परेशान होते हैं। राज पटेल जी कमेंट आ रहा बेटा तुम्हारा भी, मानसी केसरवानी, मोहित, प्रिया, मनोज, नंदनी, और इधर कौन है, अंकुर, मोहम्मद आसिफ। देखो यार, एक बात समझ लो, अगर आपको पढ़ना है तो आप प्यार से पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर सिर्फ हम कमेंट ही कमेंट पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती बाबू, ठीक है? समझ रहे हो ना? सभी जुड़े हो क्लास में, हम सबको देख पा रहे हैं। सभी एक बार ये कमेंट करके बताओ, किताब लियो ना। मैं हर दिन ये बात पूछता हूँ, किताब लेके जरूर जुड़ना क्लास में, बिना किताब कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लास 9th का आपका NCERT गणित है 9.2। ये चैप्टर थोड़ा कठिन है, मतलब बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये इतना भी कठिन नहीं कि समझ में ना आए। कोशिश करोगे तो सब समझ में आएगा। आपकी आने वाली 1 तारीख से ही नई बैच शुरू होगी, पहले चैप्टर से आप उसको देखना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसमें जहाँ चल रहा है वहाँ से पढ़ लो, ठीक है? चलो, क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने है। आकृति 9.16 में, इसका मतलब ये है कि आकृति में यानी चित्र में, और वो चित्र कहाँ है अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं वो फिगर भी आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। देखो, अब आपका फिगर भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा कि इस चित्र में क्या क्या है, आगे सुनो। समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। कोई बिंदु क्या है? कोई बिंदु है, कह रहा है ना, कोई बिंदु है, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है? एरिया APB प्लस एरिया PCD इक्वल हाफ एरिया ABCD। ये आपको क्या करना है, दर्शाना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों, अगर आपने पिछली क्लास देखा होगा जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया गया था, तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा टॉपिक समझ में आया था कि जब कोई भी दो समांतर रेखाएं हो और उनसे कोई एक चतुर्भुज बन रहा हो, साथ में बीच में उनसे कोई एक त्रिभुज भी बन रहा हो, तो वहां पे क्या कंडीशन होती है, आप पढ़े हो ना। तो चलो फिर इसके आगे चलते हैं। इसमें अभी ऐसी कंडीशन है नहीं, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन खींच लेंगे, एक रचना कर लेंगे। ये सीधा सीधा आप समझ रहे हो, ये क्या है आपका, ये एक प्रकार से रचना है। तो अब इसके जो सोल्यूशंस होंगे यहाँ से स्टार्ट होंगे, आप लिखो सोल्यूशन यहाँ से। हिंदी वाले लिख लें रचना, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखो, देखो मैं सब लिखवाता हूँ हिंदी इंग्लिश, ठीक है? आप हेडिंग डालो रचना, लिखो ड्रा अ लाइन। इसका कुछ नाम भी दे दो, तभी तो लिखोगे कि कौन सा लाइन ड्रा की हो ना। ड्रा अ लाइन XY थ्रो पी एंड पैरेललोग्राम, थ्रो पी एंड पैरेललोग्राम, ओ सॉरी पैरेललोग्राम नहीं यार, थ्रो पी एंड पैरेलल ABCD। मतलब समझो हिंदी भाषा में इसको कैसे बोलेंगे, एक रेखा एक्स वाई AB और CD के समांतर खींचा। एक रेखा XY AB और CD के समांतर खींचा। इसको आप लोग लिख लेना, आप मुझे लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन में लिख लो, ड्रा लाइन XY थ्रो P एंड पैरेलल टू AB एंड CD। ये हो गया। अब अगर हमने इसको खींचा तो यहाँ पर नीचे लिखो आता है, आप सबको पता है, अगर मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया तो भैया XY AB के समांतर है, XY CD के भी समांतर है, तो बच्चा AX समांतर होगा BY के, बोलो AX ये BY के समांतर होगा कि नहीं, पैरेलल होगा कि नहीं? भैया हो, जैसे तुम आयत बनाते हो बाबू, अगर एक रेक्टेंगल बनाते हो तो तुम्हारी ये दोनों लाइनें समांतर होती कि नहीं, ये दोनों समांतर होती ना, और ये भी तो समांतर होती इसके, होती है ना? तो वैसे कंडीशन तो बन रही है, तो इसको लिख लो, ये क्या है, इसके समांतर है, तो आगे लिखो आता है AX पैरेलल BY एंड AX पैरेलल का चिन्ह है ये BY एंड, जैसे इधर AX BY के समांतर है, वैसे इधर CY या फिर YC ये XD के समांतर है, ठीक है? आगे लिखो एंड AB पैरेलल XY। पहले हम इसी में लेंगे, इतने मतलब चतुर्भुज मिलेंगे ऊपर वाले में, बस लिखो AB समांतर XY, इतना ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना,
चलो फटाफट इसको लिखो जल्दी से यार, सामने से मैं हटता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं सामने ऐसे रहूँगा तो तुम स्क्रीनशॉट नहीं कर पाओगे, इधर साइड हटूँगा तो उल्टा पड़ेगा। हाँ चलो लिखो जल्दी करो, इतना हो गया, एक एक पॉइंट नोट करते चलो क्योंकि इसमें मिटाना भी पड़ेगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि भैया ये जो लिखाए हो कैसे लिखाए हो, ये कैसे आया है? तो क्वेश्चन में लिख दो, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन हिंदी वाले लिख दें रचना से, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन या रचना से, चलो हो गया। अब देखो आगे क्या होगा, हम सबको पता है कि ए बी एक्स वाई एक क्या है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, तो लिखो इसलिए, नीचे लिखो इसलिए ए बी एक्स वाई इज अ पैरेललोग्राम, ओके, ए बी एक्स वाई इज अ पैरेललोग्राम, समझ में आया, चलो आगे समझो। अब आगे क्या करना है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है ए बी एक्स वाई, तो क्या होगा बच्चा, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज, समझो जैसे मैंने बताया था ना कि जब कोई, मैं हर बार बताता हूँ ये चीज़, फिर से एक बार समझ लो, अगर इस तरह कोई आपका एक समांतर चतुर्भुज बना है, हाँ, और बच्चा उसके बीच में ऐसे कोई त्रिभुज बनता है जो कि इस आधार के इस कोने से लेके इस कोने से उठता है, मतलब समझना, अगर ये कंडीशन होती है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो पूरे संपूर्ण पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल के 1/2 के बराबर होता है ना, समझ गए ना, ये आप सीखे हो तो, भैया ये सीखे हो तो आगे बढ़ते हैं, मिटाने वाला कहाँ गया यार, ये भी एक लफड़ा है, कहाँ गया भाई, निकला निकला निकला, तेरी ज़रूरत है, चलो देखो समझो आगे, अब समझो समझो समझो, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो लिखो आगे, लिखो क्या लिखोगे, इसलिए ए पी बी एंड ए बी एक्स वाई आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ए बी एंड एक्स वाई, लिखो लिखते टाइम इसको थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगा, इतना ठीक है, ओके क्लियर। देखो ये चीज़ अगर मैं आपको ऐसे लिखूं डायरेक्टली, मैं थोड़ा सा मतलब टाइम ना आपका बचाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखना था, आप इसे लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे मैं उनको बता देता हूँ अलग से, जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं वो समझ लें। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है इसलिए ए पी बी एंड ए बी एक्स वाई आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ए बी एंड एक्स वाई, इसका ये मतलब है कि अगर ए बी एक्स वाई एक पैरेललोग्राम है, ए बी एक्स वाई को हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको दिखाने के लिए इसका एक नमूना इधर साइड में बना के दिखा देता हूँ, तो देखो बच्चा ये कुछ ऐसे बन रहा ना बाबू, इसका नाम है यक्स, इसका नाम है वाई, इसका नाम है ए बी, और इसके बीच में ये जो लाइन गई है कुछ ऐसे गई है, हाँ बोलो है कि नहीं, मैं यही चीज़ इसमें से निकाल लिया काट के, यक्स वाई के ऊपर का पूरा, समझ रहे हो ना, तो ऐसे दिखेगा ना, तो भैया हो अगर ये इस तरह से बनता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया सिंपल सा है कि ए पी, देखो यहाँ पे पी लिखा था ना, इसको लिख लो, इसका मतलब ये है कि ए पी बी एंड ये पूरा ए बी एक्स वाई आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस पर हैं दोनों, कौन, ये त्रिभुज ए पी बी सेम बेस पर कैसे है, दोनों का आधार ए बी है क्योंकि दोनों इसी पे बना है, आप समझ रहे हो कि नहीं भाई, आधार तो इसका कोई भी मान सकते हो, ऊपर का नीचे का, या दीवार थोड़ी खड़ी करनी को ऊपर से नीचे को नहीं आएगी, हाँ, और ये जो ट्रायंगल है इसका भी आधार कहाँ है, यही है ए बी है, तो अगर ये दोनों एक ही आधार पे बने हैं और एक समान समांतर लाइन के बीच बने हैं, समांतर लाइन कौन सी हैं, ए बी और एक्स वाई, इनके बीच में त्रिभुज भी बना है, इन्हीं के बीच में ये चतुर्भुज भी बना है ना, तो ये चीज़ तो इसमें लिखा गया है, हिंदी वाले लिखें इसलिए, पहले ऊपर से यहाँ समझो, अगर ए बी एक्स वाई एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है, तो ए पी बी और ए बी एक्स वाई दोनों समान आधार और समान समांतर लाइन के बीच बने हैं, तो भैया अगर ये स्थिति होती है तो क्या बनता है, जो आपका परमीय मैंने आपको पढ़ाया था वो लागू हो जाएगा, तो चलो उसको लागू कर लो, कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा
वो बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो आगे लिखो इसलिए एरिया, ए आर लिखा जाता है एरिया को शॉर्टकट में, ठीक है, एरिया ऑफ ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी, क्यों भाई ए पी बी की ही बात हो रही है अभी कि कुछ और बात हो रही, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, यहाँ ट्रायंगल का भी चिन्ह बना लो नहीं तो लोग कहेंगे कि क्या हो रहा है। लिखो एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल 1/2 एरिया ऑफ ए बी एक्स वाई। समझ में आ रहा ना बच्चे? देखो जो भी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। मिस्टर सुधांशु जी कमेंट आ रहा है तुम्हारा बच्चा, प्रिया, प्रियंका राज, देखो जो कमेंट के पीछे पड़े हैं, परेशान मत हो, मैं नाम नहीं बोलने वाला हूँ, पढ़ाई कर लो, ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझो, अगर आपने पहला चैप्टर से देखा होगा तो सब समझ में आएगा, नहीं देखे हो तो आने वाली 1 तारीख से अभी नया चैप्टर शुरू होगा, नया बैच शुरू होगा, 7:30 बजे से जुड़ना जरूर, सब समझ में आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा टॉप है चैप्टर, एक प्रकार से मान लो ये बहुत आसान नहीं है। जिन लोगों ने शुरू में मैथमेटिक्स को ध्यान नहीं दिया, सीरियसली नहीं लिया कक्षा 6 में 7 में 8 में, उनको ये समझ में बहुत कम आ रहा होगा, है ना? आप कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है, यस 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 या नो, बोलो। चलो तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो भैया जैसे जैसे हमने ए एक्स और बी वाई इसके बीच ऊपर का किया था, उसी तरह नीचे भी सब कुछ होगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार, ऊपर से हम इरेज करेंगे, आप लिख लो, लिख लिए, अब लिखो इसमें, ऊपर मैं इरेज कर रहा हूँ, लिखो इसलिए, या फिर सॉरी इसलिए नहीं, इसी प्रकार। इसी प्रकार मतलब कैसे? जैसे ये ऊपर आपका आधा पैरेललोग्राम में किया गया था ए बी एक्स वाई में, वैसे नीचे भी आप करोगे एक्स डी और वाई सी में। चलो लिखो इसी प्रकार, लिखो लिखो फटाफट लिखो, डी सी और एक्स वाई, इसमें क्या रिलेशन है भाई बताओ? भाई डी सी या सी डी एक्स वाई के क्या है, पैरेलल है, समांतर है ना, दोनों ऐसे ऐसे है ना, समांतर है ना। लिखो इसी प्रकार डी सी एक्स वाई इज अ पैरेलल, क्या पैरेललोग्राम लिखो, ठीक है। चलो ऊपर लिखो इसी प्रकार, इसी प्रकार सी डी एक्स वाई इज आ पैरेललोग्राम, हिंदी में लिख लो, इसी प्रकार सी डी एक्स वाई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ओके। इसी प्रकार सी डी एक्स वाई एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो भैया अगर इसमें तुम देख रहे हो तो इसमें भी जहाँ पे पी है, ये देखो आके बिंदु मिल रहा है, यहाँ नीचे से उठ रहा बराबर ना, तो इसमें भी वही चीज़ लागू होगा। लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी सी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो पी सी डी, मतलब एक ही हुआ, चाहे तो पी सी डी बोलो चाहे डी पी सी बोलो, मतलब यहाँ पर एक ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई कोण निश्चित नहीं है कि हमें क्या दिखाना है, ठीक है। लिखो इस प्रकार, लेकिन उसके पहले ये कहानियाँ तो लिखना पड़ेगा जो इसमें लिखा था, इसको लिखो, लिखो लिखो त्रिभुज पी सी डी, चलो इसको फटाफट नोट करो, इसी प्रकार पी सी डी एंड डी सी एक्स वाई आर ऑन सेम बेस, डी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एक्स वाई एंड सी डी, हिंदी में लिख लो, इसी प्रकार त्रिभुज पी सी डी और चतुर्भुज डी सी एक्स वाई दोनों एक समान बेस और एक समान बेस डी सी और दो पैरेलल, या फिर हिंदी में लिखोगे भाई, हाँ, दो समांतर रेखाओं एक्स वाई और सी डी के बीच में स्थित है, ठीक है, समझ गए ना। लिखो इसलिए त्रिभुज पी सी डी और चतुर्भुज डी सी एक्स वाई ये दोनों एक समान बेस डी सी है ना, ये समान बेस डी सी और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एक्स वाई एंड सी डी, मतलब इसका यह हुआ, और एक समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। जितनी बार बोलेंगे उतनी तरह की परिभाषा आपको सुनाई देगी, क्योंकि ये परिभाषा आपको बना के लिखना है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम जो हमारे मुंह से निकले वही लिखोगे, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हो, मतलब आपको समझना है यहाँ पर, बस मतलब ये समझना है कि जो रेखा सी डी है ये बेस है किसका, ये एक्स वाई सी डी इस चतुर्भुज का भी बेस है,
और PDC या फिर CPD या फिर PCD इस त्रिभुज का भी बेस है, तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इतना समझ गया ना बच्चा? तो अगर इतना आप समझ गए, ऐसी कंडीशन बन रही है, तो आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, लिखो यहाँ पे, इसलिए एरिया ऑफ PCD इक्वल हाफ एरिया ऑफ CDXY, लिखो एरिया ऑफ CDXY या फिर DCXY, एरिया ऑफ DCXY। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना, लिख लो फटाफट, नोट करते चलो बच्चा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो मिस्टर मुन्ना चौधरी, क्या चाहते हो, तुम्हें ब्लॉक कर दें? हाँ, हमारे कमेंट पे कमेंट डंडा करे हो? मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई कर लो बेहतर होगा, ये बहुत आसान नहीं है। जिनको नहीं समझ में आ रहा, टेंशन नहीं लेना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे सब समझ में आएगा। जो पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं उनको समझ में कम आ रहा होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो उन्हें समझ में यहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि वहाँ पे पढ़े ही नहीं वो। अगर आपका मैथ बहुत वीक है, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है, आपका अच्छा 6, 7, 8 का मैथ पढ़ लो, आपका 9 वाला आराम से आ जाएगा। अभी नया सत्र आपका शुरू हो रहा है, बहुत टाइम है आपके पास, जून जुलाई में, तो आप 1-2 महीना 1.5 महीना में उसको कंप्लीट कर लो, इसको आराम से पढ़ोगे, बड़े प्यार से आएगा, एकदम पानी हो जाएगा। उसके लिए आप PBR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और 1 से 10 तक का पूरा कोर्स उसमें है एप्लीकेशन में। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम भी वही है जो चैनल का नाम है, PBR स्टडी। स्पेलिंग ध्यान से देख लो, सर्च करोगे मिल जाएगा। चलो, ये आपके 2 इक्वेशन हो गए ना, तो भैया हो, बाबू हो, आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ लोगे। क्या करोगे, बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। चलो फटाफट जोड़ो इनको, दोनों को जहां आप जोड़े फटाफट वही आ जाएगा जो आपको लाना था। देखो मैं बताता हूँ वो कैसे आ जाएगा, पता है आपको? देखो वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसमें है कुछ खास। वो क्या, देखो भाई कहाँ गए, PCD ना, इधर देखो PCD, और इधर ही अभी बना था APB बना था ना, ऐसे कुछ बना था, रुको मैं देखता हूँ, हाँ APB बना था। तो भैया अगर तुम इसको जोड़ दे रहे हो तब तो पूरा ये सीधा सीधा जुड़ ही जा रहा है, बाकी आपका इस साइड का थोड़ा थोड़ा बच रहा है ना, और वो तो उधर साइड बराबर है ही DCXY के, और मुझे लग रहा दोनों उसी के बराबर था का DCXY, अरे DCXY तो छोड़ दो तुम, DCXY का मतलब ये आधा चतुर्भुज, और इधर वाला जो था ABXY, ये दोनों मिला के सब पूरा कंप्लीट नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा ना? तो लिखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो भैया दोनों इक्वेशन ऐड कर दो बाबू। चलो क्या था पहला, मुझे देखने दो, APB देन PCD, लिखो APB, ये पहले था, अभी कुछ देर पहले आपने देखा था, प्लस ट्राइंगल PCD इक्वल कितना आया था, 1/2 ABXY। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ना है, 1/2 DCYX, 1/2 DCYX। इतना सब कुछ क्लियर है? उधर मुझे लग रहा है DC के बाद बाहर थोड़ा चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा इसको इधर घुमा देता हूँ, चलो आप देख लो फटाफट, बस बिल्कुल टेंशन मत लो एक भी पैसे का। चलो पहले इनका सलूशन देख लो, बाकी उधर देखना जो छूट रहा है, क्वेश्चन उच्चन बाद में दिखा दूंगा। चलो, तो भैया हो, बाबू हो, अगर आप इसको जोड़ोगे APB और ये CPD, तो ये कुल मिला के जुड़ के 1 हो जाएंगे, और बराबर 1/2 ABXY है, जो ABXY और ये CDXY दोनों जुड़ेगा तो एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो इस तरह से फाइनल में आपका वही आ जाएगा जो आप निकालना चाहते थे। हाँ, क्या निकालना चाहते हो बताओ, कुछ निकालना चाहते हो? अरे यही तो लाना था गधों, इधर वाला क्या वाला अलग हो रहा है, ये जुड़ गया, बस हो गया फाइनल। चलो लिख लो एक बार और, APB धन ये PCD इक्वल, मार्कर चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, अब ये बन जाएगा 1/2, अरे वही जो हमें लाना था भैया, वही तो आ गया बाबू, ये देखो सीधा सीधा एरिया ऑफ ABCD, बस हो गया आपका आंसर आ गया ये। चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लो, बाकी सब कुछ ले लो। चलो जल्दी करो, ये आपका फर्स्ट पार्ट था इसमें का, क्वेश्चन का कौन सा था, ये फर्स्ट पार्ट था, तो बच्चा बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो बाबू,
हाँ चलें आगे बढ़ें। चलो ठीक है, बिल्कुल मस्त है, सब कुछ मस्त है, एकदम लल्लन टाप है जिसे बोलते हैं ना। चलो चलो चलो, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। इधर थोड़ा कट रहा होगा, मैं बता देता हूँ, डी सी ये वाई एक्स है, वाई जेड तो कहीं आएगा नहीं, डी सी वाई एक्स नीचे लिख लो, वाई एक्स, समझ गए ना, बगल में जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा, बाकी वो बगल में ही रहेगा। तो नोट कर लिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, पहला भाग था, इसमें दो भाग हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो मैं मिटा दूं, अगर नहीं स्क्रीनशॉट लियो तो वीडियो को रोक करके तुरंत नोट करो फटाफट। चलो तो देखो बच्चों, इसमें का सेकंड पार्ट भी देख लो, बहुत ही ध्यान से देखो, समझ में आएगा। देखो जिनको नहीं आ रहा, मुझे कमेंट दिख रहा है बहुत से लोगों को नहीं आ रहा है, इस वीडियो को उन्हें 3-4 बार देखना पड़ेगा, 3-4 बार जहाँ तुम देखे ना तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा, बहुत मस्त तरीके से आएगा। ठीक है चलो, देखो अगला सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इसमें जो सेकंड वाला प्रूव करना था मैंने उसको लिख दिया है, देखो यहाँ पर ध्यान से चेंजिंग हुई है ना। यहाँ पर एरिया ऑफ ए पी बी एंड एरिया ऑफ पी बी सी, इसको प्रूव करना है कि ये बराबर हो जाए ए पी बी और पी सी डी के। आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो बच्चों इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा हमें एक कंस्ट्रक्शन। और पता है क्यों ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें इधर इतना और इधर इतना, इसका इसका हिसाब करना है, और इसका नाम भी हम पी क्यू ही लिखेंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे बीच में भी पी लिखा है, यहाँ भी आप पी क्यू लिख रहे हो, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पे आप ध्यान दो, हर जगह यहाँ पर पी वर्ड आ रहा है ना। अगर हम इसका नाम जो है पी से हटा के कुछ और लिख दें, मान लो एक्स वाई लिख दें, तो फिर ये थोड़ा सा बदल जाएगा, इसलिए हमें इसको लिखना पड़ेगा और समझ के चलना पड़ेगा कि अगर हम चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे वाले चतुर्भुज, जैसे ये मेरा हाथ जहाँ है या जहाँ है, तब हम ये पी मानेंगे, इसको लेंगे, और अगर हम त्रिभुज की बात करें तो बीच वाला पी लेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो तुम्हें मालूम है। लिखो कंस्ट्रक्शन, ड्रा लाइन पी क्यू, वो मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख दो, कंस्ट्रक्शन, या फिर हिंदी वाले लिख दो, रचना, रचना रेखा पी क्यू खींचा, समझ गए, रचना रेखा पी क्यू खींचा। कुछ गड़बड़ा आ रहा है का यार, साथियों सिस्टम सही ना होने की वजह से ये सेशन हम यहीं पे एंड कर देंगे, अब इसके आगे ये जवाब नहीं देने वाला है, चलेगा नहीं। उसके बाद ये जो इसका अगला पार्ट है ना, इसको हम आपको अगले क्लास में करवा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, और इस सेशन को शेयर करके जाना, ठीक है।